Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question number 5. In question 5 is, using section formula, prove that 3 points minus 4, 6, 10, 2, 4, 6 and 14, 0, minus 2 are collinear. Question में 3 points given है और हमें यहाँ पर prove करना है section formula से कि एक collinear है. See किस तरह से prove करेंगे. तो first of all मैं naming कर देता हूँ. So I have already given the name. See the points are A, B, C. मैंने इनको A, B, C नाम दे दिया है. अगर student ये collinear है, तो there should be a line and line पर A और C और यहाँ कहीं बीच में B होगा. अगर ये है और B क्या होगा, A और C को किसी ना किसी रेशियो में तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा. तो मैं वो रेशियो ले लेता हूँ 1:k. अब अगर क्या है, B एग्जैक्टली A और C के बीच में कहीं पर लाई करता है, तो K की वैल्यू, मैं यहाँ पर 3 डिफरेंट कंडीशंस आएंगे, उन तीनों में सेम होंगे. किस तरह से, सो लेट B divides AC in ratio 1:k. 1:k के रेशियो. So according to section formula B के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं इंटरनली लेके, B के कोऑर्डिनेट इंटरनली लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमारे क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू जेड टू, डी के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन जेड वन. सो दिस विल बी 1:14, यानी कि 14 प्लस के इंटू माइनस 4, दिस इज माइनस 4 के अपॉन 1 प्लस के. सिमिलरली 1:0 दिस विल बी द 0 एंड के इंटू 6 दिस विल बी द 6 के अपॉन 1 प्लस के. एंड नेक्स्ट विल बी द 1:-2 दिस इज माइनस 2 एंड k into 10 दिस इज 10 के अपॉन में 1 प्लस. ये आ गए b के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से. नाउ कंपेयर कराइए इसको जो हमें गिवन है. नाउ कंपेयर इट विद b. b के कोऑर्डिनेट से कंपेयर कराइए. b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2, 4, 6, 2, 4, 6. तो जब मैं कंपेयर कराता हूं तो मैं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल 14 माइनस 4 के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. दैट इज 14 माइनस 4 के इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के. नाउ 4 के को मैं राइट पर लेके आता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो दिस विल बी द 6 के. और 2 को उधर लेके जाऊंगा तो 14 माइनस 2 12. सो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2. अब अगर आप यहां पर y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कराएं तो 0 प्लस 6 के अपॉन 1 प्लस के. तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कंपेयर x कोऑर्डिनेट और यहां पर कंपेयर y कोऑर्डिनेट. दिस विल इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर. तो 6k इज इक्वल टू 4 प्लस 4k. अब मैं क्या करता हूं, 4k को लेफ्ट पर लेके जाता हूं तो 6k माइनस 4k इज 2k, 2k इज इक्वल टू 4. तो यहां भी k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2 आ गया. तो कंपेयर जब x और y कोऑर्डिनेट कराया तो k की वैल्यू सेम आ गई. नाउ कंपेयर z कोऑर्डिनेट. अब अगर आप z कोऑर्डिनेट कंपेयर कराओ, यहां भी k की वैल्यू सेम आ जाए, तो दैट मींस b क्या है, लाई करता है a और c पर, a b c कोलिनियर. तो यहां देखते हैं, दिस विल बी द माइनस 2 प्लस 10 के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू कितने के बराबर, 6 के. दैट मींस माइनस 2 प्लस 10 के इज इक्वल टू 6 प्लस 6 के. अब 6 के को मैं क्या लेता हूं, लेफ्ट पर लेके आता हूं, तो 10 के माइनस 6 के इज 4 के और यहां हो जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. तो यहां भी k इज इक्वल टू 2 आया. तो सिंस ऑल थ्री टाइम्स k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, सो देयरफॉर आई कैन से ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर. ये क्या है, कोलिनियर है बाय सेक्शन फॉर्म. तो ये हमारा क्या हो गया, कोलिनियर प्रूफ हो गया सेक्शन फॉर्मूला.